तोड़ने से पहले महिला ने दी अपनी मौत की गवाही। सनसनीखेज वारदात देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां 35 साल की सविता ने दो दिन पहले मौत से लड़ने के बाद दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले मोबाइल फोन में उसने बता दिया कातिलों का नाम। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस आरोपी ससुराल वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में नाकाम है। मौत से पहले उसने दी गवाही, अपने कातिलों का दिया सुराग। मोबाइल में कैद है आखिरी बयान। शिवकुमार कितना है वो? दिल्ली के रोहिणी में रहने वाली 35 साल की सविता ने 24 जुलाई को आखिरी सांस ली। जलने से सविता की मौत हो गई, लेकिन सविता ने मरने से पहले अपने गुनहगारों की करतूत को मोबाइल में कैद कराया। आरोप है कि 23 जुलाई को देर शाम सविता को उसके ससुराल वालों ने बाथरूम में बंद कर जला दिया था। सविता के घर वालों को जब इसकी खबर मिली तो वो उसे नजदीक के अस्पताल में ले गए। बाद में उसे सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन 24 जुलाई को उसकी मौत हो गई। मरने से पहले सविता ने अपने भाई के मोबाइल में अपना आखिरी बयान दर्ज कराया है। इस बयान में सविता ने बताया है कि उसके पति, सास, ससुर और दो रिश्तेदारों ने मिलकर उसे जलाया। अच्छा, और भी था कोई उसके अलावा? गुण है? अमित है। यो गुण है? वीणा का छोरा। किसका छोरा? वीणा का। वीणा का? ये वीणा कौन है? है? अच्छा, कितने हैं ये? रानी बाग। सविता की शादी रोहिणी के प्रदीप से हुई थी। 10 और 12 साल के दो बच्चे भी हैं, लेकिन दहेज के लिए हमेशा ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। 23 जुलाई को सविता ने प्रशांत विहार थाना और महिला आयोग को प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो उनके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया है 23 तारीख को, और पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की है, ना बयान लिए। हमने बार बार उनको कॉल किया है, बताया है, मैसेज किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद मैंने अपने मोबाइल में उनका रिकॉर्डिंग करी है, उनके बयान लिए हैं। उसके बाद उसकी 23 तारीख को उसकी मौत हो गई है। सविता के भाई पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने सविता का बयान नहीं लिया। इतना ही नहीं, अब तक सविता के घर वालों को FIR की कॉपी भी नहीं दी गई है, लेकिन मोबाइल में कैद सविता का आखिरी बयान अपने कातिलों के गुनाह से पर्दा उठा रहा है।